गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने एनिमल किंगडम का सेकंड फाइलम निडेरिया करने जा रहे हैं। हम निडेरिया को सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। अब इनका नाम निडेरिया क्यों रखा गया? द नेम निडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट्स, क्योंकि इनमें जो सेल्स मिलती हैं उन्हें हम नीडोसाइट्स बोलते हैं, इसलिए इन फाइलम का नाम निडेरिया रखा गया। These contain the stinging capsules or nematocytes. इनमें डंक मारने वाली stinging capsule भी मिलते हैं और nematocyst भी मिलता है। These are present on the tentacles and the body, जो कि इनकी tentacles और body पर present होते हैं। Mainly tentacles पर present होते हैं क्योंकि food capture ये वहीं से करती है। Nidoblasts are used for नीडोब्लास्ट का यूज किस किस में किया जाता है वो देख लेते हैं। एनकरेजमेंट के लिए, यानी एक दूसरे को सहयोग देने में, डिफेंस में और फूड कैप्चरिंग में इनका यूज किया जाता है। सेकंड है हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ निडेरिया। ऑल निडेरियंस आर एक्वेटिक, सभी तरह की निडेरियंस है वो एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन, और उनमें से कुछ जो है वो फ्रेश वाटर निडेरियंस होते हैं। कुछ निडेरियन है वो सेसाइल होते हैं, यानी सेडेंट्री होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे ओबेलिया, और कुछ निडेरियंस है वो फ्री स्विमिंग भी होते हैं, जैसे ओरेलिया। कुछ निडेरियन है वो सोलिटरी फॉर्म में मिलते हैं, यानी अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे हाइड्रा, और कुछ निडेरियंस ऐसे हैं जो कि कॉलोनी बनाकर रहना पसंद करते हैं, जैसे फाइसेलिया। अब निडेरियंस की बॉडी सिमेट्री कैसी होती है? मोस्टली निडेरियंस शो रेडियल सिमेट्री। उनमें से जो एंथोजोन है कुछ एक्सेप्शन है जिनमें बाई रेडियल सिमेट्री मिलती है। रेडियल सिमेट्री में हम किसी भी रेडियस से एनिमल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कैसे भी, लेकिन बाई रेडियल सिमेट्री में सिर्फ दो बार ही हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें निडेरियंस में देखने को मिलता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। जर्म्स लेयर्स, दीज आर डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स, ये डिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं, मतलब इनमें दो तरह की जर्म लेयर हमें देखने को मिलती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटर लेयर एंड एंडोडर्म इनर लेयर होती है। बॉडी वॉल, इट कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर, दो तरह की बॉडी वॉल लेयर देखने को मिलती है। आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं और इनर लेयर को हम गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। इन बिटवीन द टू लेयर्स दीज इज अ शीट ऑफ जिलेटिनियस मटेरियल कॉल्ड मेसोग्लिया। आउटर और इनर लेयर के बीच में एक जिलेटिनियस शीट हमें देखने को मिलती है जिसे मेसोग्लिया कहते हैं। बॉडी प्लेन, ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लेन इज प्रेजेंट, यानी ब्लाइंड सैक मतलब सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है, अनस इसमें प्रेजेंट नहीं होता। अनडाइजेस्टेड फूड इज पास थ्रू माउथ, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो माउथ से ही बाहर निकलता है, पास आउट होता है। बॉडी फॉर्म डिवाइड्स इन टू टाइप, इनका जो बॉडी फॉर्म है वो दो तरह में डिवाइड होता है। फर्स्ट है पॉलिप, सेकेंड है मेड्यूसा। पॉलिप, इट इज अ ट्यूब्यूलर इन शेप एंड सिलेंड्रिकल, इनकी जो शेप होती है वो ट्यूब्यूलर होती है, ट्यूब लाइक लंबी होती है और सिलेंड्रिकल होती है। इट इज यूजली फिक्स्ड, ये एक जगह फिक्स्ड होते हैं, एंड मे बी सोलिटरी और कॉलोनियल। सोलिटरी भी होते हैं, अकेले भी मिलते हैं, और कॉलोनी में भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमें इसमें देखने को मिल रहा है। पॉलिप में ट्यूब लाइक होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, कॉलोनी में भी मिलते हैं और ये सोलिट्री में भी देखने को मिलते हैं।
सेकंड हमारा आता है मेड्यूसा। इट इज अम्ब्रेला शेप, इनकी जो शेप होती है अम्ब्रेला लाइक होती है। इट इज जनरली फ्री स्विमिंग एंड ऑलवेज सोलिट्री, ये फ्री स्विमिंग होते हैं और हमेशा सोलिट्री ही मिलते हैं, यानी सिंगल रहना ही इन्हें पसंद है। देखिए जैसे मेड्यूसा, इसकी जो शेप है वो हमें अम्ब्रेला जैसी देखने को मिल रही है। मेटाजेनेसिस, इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा इन सम निडेरियंस। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलता है। बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा आर डिप्लॉयड, इनमें ये दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं। पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसाई असेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप्स असेक्सुअली इन ओवेरियन। पॉलिप्स है वो असेक्सुअली मेथड से मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है और मेड्यूसा से जो पॉलिप्स है वो सेक्सुअली बनता है, जो कि हमें ओवेरिया में देखने को मिलता है। अब ये देखिए, ये ओवेरिया की लाइफ साइकिल दे रखी है जिसमें मेल एंड फीमेल मेड्यूसा है हमें ऊपर देखने को मिल रहा है, जिसमें से फीमेल मेड्यूसा में से एग रिलीज हो रहा है और मेल मेड्यूसा में से स्पर्म रिलीज हो रहे हैं। इन दोनों से जायगोट बन रहा है, फिर जायगोट में आगे डिवीजन होता है और उसके बाद फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलती है, जिसे प्लैन्यूला बोलते हैं। उसके बाद जो ये यंग वन में, यंग पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर फुली डेवलप्ड पॉलिप में हमें देखने को मिलता है। फिर इसी फुली डेवलप्ड पॉलिप्स में से हमें फीमेल मेड्यूसा बनता है। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज फिनोमिनन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन विच डिफरेंट फंक्शंस आर असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द कॉलोनी। पॉलीमॉर्फिज्म उन्हीं निडेरियंस में देखने को मिलता है जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं। उन कॉलोनी के मेंबर को अलग अलग काम दे दिया जाता है। देखिए हम आगे पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ कॉलोनी आर कॉल्ड जुओइड्स, इन कॉलोनी के मेंबर को जुओइड्स बोलते हैं। गैस्ट्रोजुओइड्स जो कि न्यूट्रिशन का काम करते हैं, गोनोजुओइड्स जो कि रिप्रोडक्शन का काम करते हैं एंड डक्टाइलोजुओइड्स जो कि डिफेंस का काम करते हैं। स्केलेटन, द सॉफ्ट बॉडी में बी सपोर्टेड बाई कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन, इनमें कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन मिलता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोरल सीक्रेट्स अ स्केलेटल ऑफ CaCO3 अराउंड देयर बॉडी। गैस एक्सचेंजेस इन निडेरियंस, इट अकर्स बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, इनकी बॉडी सरफेस से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, इनमें कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। एक्सक्रीशन, इट अकर्स बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन भी जनरल बॉडी सरफेस से हो जाता है, कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें नहीं होता। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे अमोनिया बोलते हैं, इसलिए निडेरियंस को हम अमोनोटेलिक भी कहते हैं। सर्कुलेशन, बॉडी कैविटी इज सिलेंट्रॉन, इनकी बॉडी कैविटी को हम सिलेंट्रॉन बोलते हैं, तभी इन फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा पड़ा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रॉन को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोल सकते हैं। इट हेल्प्स इन डाइजेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो डाइजेशन के साथ साथ फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। फूड कैविटी ऑल्सो एक्ट एज हाइड्रोस्केलेटन, बॉडी कैविटी को जो इनकी बॉडी कैविटी है वो हाइड्रोस्केलेटन की तरह भी एक्ट करती है। नर्वस सिस्टम ऑफ निडेरियंस, इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड देयर प्रोसेसेस, सेंसरी सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, इनमें सेंसरी सेल प्रेजेंट होती है। स्टेटोसिस्ट मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन फ्री स्विमिंग, स्टेटोसिस्ट एक तरह का
बॉडी सैक होता है जिसमें कि सेंसरी हेयर प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग माउथ। माउथ इज सिचुएटेड ऑन कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड हाइपोस्टोम। जो इनका माउथ होता है वो हाइपोस्टोम में हाइपोस्टोम पर प्रेजेंट होता है। डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड देन इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में और उसके बाद वो इंट्रा सेलुलर होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्टली हर्मफ्रोडाइट एनिमल्स हैं। रिप्रोडक्शन इज यूजली असेक्सुअल बाय बडिंग इन पॉलिप फॉर्म एंड सेक्सुअल इन मेड्यूसा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। गैमेट्स का फ्यूजन है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप से होता है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से मतलब है इनमें लार्वल स्टेज मिलती है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। प्लेन्यूला एंड हाइड्रूला, स्काइफिस्टोमा एंड एफायरा। स्काइफिस्टोमा एंड एफायरा है ये जेलीफिश की लार्वल स्टेज होती है। प्लेन्यूला एंड हाइड्रूला है ये हमें ओबेलिया में देखने को मिलता है। यूनिक फीचर्स पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इनका। एपिथीलियो मस्कुलर सेल इनमें प्रेजेंट होती हैं, जो कि एपिथीलियम और मस्कुलेचर दोनों का काम करती है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जिसे हम ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ निडेरियंस, हाइड्रा जो कि फ्रेश वाटर पॉलिप है, ओबेलिया जो कि सीफर है, ओरेलिया जो कि एक जेलीफिश है और कोरेलियम जो कि एक रेड कोलर है। इसके बाद हम करेंगे हमारा थर्ड फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। दे आर डोर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हैंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म। इनकी जो बॉडी है वो ऊपर और नीचे दोनों से ऐसे फ्लैट होती है, एक पत्ते की तरह होती है, इसलिए इन्हें फ्लैट वर्म कहते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं यानी अपने होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट मे बी लीफ लाइक और रिबन लाइक। इनकी जो बॉडी है वो लीफ लाइक होती है और रिबन लाइक होती है, मतलब ऊपर और नीचे डोर्सल और वेंट्रली फ्लैट होती है, दबी हुई होती है। ट्रू सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, इनमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। बॉडी प्लेन, ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लेन हमें देखने को मिलता है, मतलब माउथ प्रेजेंट होता है और अनस इनमें एब्सेंट होता है, जैसे कि निडेरियन में हमने देखने को मिला था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। हुक एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म। इनकी पैरासाइटिक फॉर्म में हुक और सकर प्रेजेंट होते हैं। दिस शो बिगिनिंग ऑफ सेफाइलाइजेशन। इनमें सेफाइलाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब हेड फॉर्मेशन इनमें देखने को हमें मिलता है। जर्म लेयर, ट्रिप्रोप्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी इसमें तीन तरह की जर्म लेयर देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टो एंड एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म भी प्रेजेंट होती है। गैस एक्सचेंज, इट अकर्स बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। गैस एक्सचेंज है वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है, कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इनमें देखने को नहीं मिलती। एक्सक्रीशन, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल देखने को मिलती है जिसे हम फ्लेम सेल बोलते हैं, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है। नर्वस सिस्टम, इट इज ए लैडर लाइक। ये लैडर लाइक होते हैं। इट कंप्राइजेस ब्रेन एंड टू मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कनेक्टेड एट इंटरवेल्स बाय ट्रांसवर्स
कॉमिशर्स। इनमें ब्रेन और टू मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स देखने को मिलती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस और सेक्स ऑर्गन सेपरेट नहीं होते हैं, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स ही होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, इंक्लूड्स मैनी लार्वल स्टेजेस। एग्जाम्पल प्लैनेरिया, शिप लिवर फ्लूक एंड टैप, ये इसके एग्जाम्पल है। अब हमारा आता है फोर्थ फाइलम एशले हेलमिंथस। द बॉडी ऑफ द एशले हेलमिंथस इज सर्कुलर इन क्लोज सेक्शन। इनकी जो बॉडी है वो सर्कुलर होती है, इसलिए इन्हें हम राउंड वर्म भी कहते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें हमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्रोब्लास्टिक होते हैं और स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी इसमें फोर्स बॉडी कैविटी हमें देखने को मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव कैनाल इज कम्प्लीट विद माउथ एंड स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फेरेनिक्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में हमें एक डाइजेस्टिव कैनाल देखने को मिलती है और स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फेरेनिक्स हमें देखने को मिलता है। इंटेस्टाइन स्ट्रेट नॉन मस्कुलर विद प्रोस्टीरियर अनस। एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एच शेप होता है, यानी एक्सक्रीटरी कैनाल की जो शेप है वो अल्फाबेट एच की तरह होती है। रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। जो बॉडी वेस्ट है वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया ही होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें जो सेक्सेस है वो सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मेल और फीमेल अलग अलग देखने को मिलते हैं। इनके जो फीमेल्स होती है वो मेल के कंपैरिजन में लंबी होती है। एग्स आर विद काइटेनियस शेल, जो इनके एग हैं उनके ऊपर काइटेनियस शेल का एक कवर होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट है तो इनके यंग वंस है वो इनसे ही मिलते जुलते होते हैं। इनके एग्जाम्पल है एस्केरिस, जो कि एक राउंड वर्म होता है, ब्यूचेरिया फिलेरिया वर्म होता है, एनसाइलोस्टोमा हुक वर्म, लोअर लोअर आई वर्म। नेक्स्ट फाइलम हमारा आता है एनेलिडा। दे मे बी एक्वेटिक फ्रेश वाटर और मराइन और टेरिस्ट्रियल फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइटिक। इनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्रोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, यानी इनमें ट्रू बॉडी कैविटी देखने को हमें मिलती है। मेटामेरिज्म, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स एंड मेटामर्स बाय रिंग लाइक ग्रूव्स एनुअली। इनमें हमें मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, यानी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इनकी जो बॉडी होती है वो उनमें हमें एक लाइंस देखने को मिलती हैं जिन्हें हम मेटामर्स बोलते हैं। स्पेशल अपेंडिक्स और क्या क्या इनमें स्पेशल अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं। Many annelids have simple unjointed locomotory appendages called parapodia. इनमें locomotory appendages देखने को मिलते हैं जिन्हें हम parapodia कहते हैं। Circular and longitudinal muscles are present. इनमें circular और longitudinal muscle present होते हैं। Fluid present in cilium. Cilium में fluid present होते हैं जो कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक इज स्ट्रेट कंप्लीट एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो स्ट्रेट होता है, पूरा होता है, जो कि पूरी बॉडी तक फैला हुआ होता है। देयर इज ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लेन, इनका जो बॉडी प्लेन है वो ट्यूब टाइप होता है। डाइजेशन इज कम्प्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर, इनका जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम,
बॉडी वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज टाइप, जो बॉडी का वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप होता है, मतलब ब्लड फ्लोज थ्रू डेफिनेट ब्लड वेसल, जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लड वेसल के थ्रू ही होता है। सम ब्लड वेसल्स आर एनलार्ज्ड एंड एक्ट एज हार्ट, कुछ ब्लड वेसल होती हैं वो एनलार्ज्ड यानी बड़ी हो जाती हैं, जो कि हार्ट की तरह बिहेव करती हैं। ब्लड इज रेड इन कलर विद हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, इनका जो खून है वो लाल रंग का होता है क्योंकि इनकी प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिजॉल्व होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रिडिया, दीज हेल्प इन एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन। नेफ्रिडिया है एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर अमोनिया इन एक्वेटिक, जो एक्वेटिक एनिलिड्स हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, और जो टेरेस्ट्रियल एनिलिड्स हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर सेरेब्रल गैंग्लिया ब्रेन एंड अ सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कोर, इनमें देखने को मिलती है। सेंस ऑर्गन लाइक टेस्ट बड, फोटो रिसेप्टर सेल्स, स्टेटोसिस्ट एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट। टेस्ट बड, फोटो रिसेप्टर और स्टेटोसिस्ट इनमें सेंस ऑर्गन के रूप में मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सेस में भी सेपरेट, इनमें जो सेक्स ऑर्गन है वो सेपरेट होते हैं, डायोशियस होते हैं ये, और कुछ मोनोशियस भी होते हैं जैसे कि अर्थवर्म और लीचिस। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है जो कि हमें अर्थवर्म में देखने को मिलता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें लीचिस में देखने को मिलता है। डेवलपमेंट में भी इंक्लूड प्रोटोफोर लार्वा इन सम फॉर्म, इनका जो डेवलपमेंट है उसमें ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज भी प्रेजेंट होती है। कुछ एग्जांपल, नेरिस सैंडबॉम, फेरेटिमा अर्थबॉम, हाइरूडिनेरिया ब्लड सकिंग लीचेस। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। हैव अ नाइस डे।